जय हिंद क्रेडिट्स, वेलकम टू भाभी बोर चैनल। आज मैं आपको राइफल के लगभग 20-21 पार्ट्स बता दूंगा। आपसे एक कंपलसरी क्वेश्चन पूछते हैं पेपर के अंदर पे कि राइट डाउन एनी 10 पार्ट्स ऑफ द राइफल, बी या सी शॉट दोनों में क्वेश्चन आता है। दूसरा, जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाते हो ना, तो DI सर क्या करते हैं कि ऐसे टच करेंगे इसको, बोलेंगे बताइए ये चीज़ क्या पे है, ये क्या चीज़ हो गई, ऐसे करके ना आपसे इसके पार्ट्स ऐसे टच करके पूछते हैं कि ये क्या कौन सा पार्ट है। तो मैं इसको डायग्राम के साथ में बता रहा हूँ, आपको सारे पार्ट आज क्लियर हो जाएंगे। वीडियो ध्यान से देखना, आपको क्लियर हो जाएंगे एक बार में, ठीक है। तो जिसका ये चौड़ा सा पार्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बट, दिस इज नोन एज बट, ठीक। इसके पीछे ये लोहे का वो लगी होती है, एक प्लेट सी लगी होती है, इसको बोल देते हैं हम बट प्लेट, बट प्लेट। बस ध्यान से देखते जाना, आपको याद हो जाएंगे बट प्लेट। अब इस बट प्लेट के अंदर पे दो स्क्रू ठुक रखे हैं इसमें, मतलब जिससे प्लेट इसके अंदर ठोकी होगी, इनको बोलते हैं ये दोनों स्क्रू, इनका नाम होता है बट स्क्रू, बट स्क्रू, इन दोनों का नाम हो जाता है बट स्क्रू, ठीक है। इतना क्लियर हो गया इतना सा। उसके बाद यहाँ पे आओ, ये जो बीच में जहाँ से ढिचके हैं वो चलाते हैं गोली, इसको बोलते हैं ट्रिगर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिगर, ट्रिगर। ये पूछते हैं आपसे कि ये इसके बाहर जो एक कवर हो रखा ना, ट्रिगर के बाहर गोल सा ये कवर है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर गार्ड, GUARD, ट्रिगर गार्ड। क्लियर हुआ? इसके बीच में एक छोटा सा बटन होता है, जो ट्रिगर गार्ड और ट्रिगर के बीच इसमें ना एक छोटा सा हल्का सा बटन होता है यहाँ पे। मतलब क्या करते हो आप, जैसे ही मैगजीन आपको निकालनी होती है ना राइफल, जब कभी खोली होगी तो ये छोटा सा बटन दबाते हैं, उसके बाद इसकी मैगजीन जो ये होती है ये निकल के बाहर में गिरती है। तो इसको बोलते हैं सेफ्टी कैच, जो ये छोटा सा बटन होता है इसको बोलते हैं सेफ्टी कैच, सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगी होती है, ये सेफ्टी कैच इसका नाम होता है। क्लियर इतनी सी बात, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ऐसा करके जिससे पकड़ते हैं राइफल को साइड से, इसको बोलते हैं ग्रिप, ग्रिप बोलते हैं इसको, ग्रिप, ठीक है। ये जो चीज़ है ये होता है आपका मैगजीन, या इसको एक चीज़ और बोलते हैं, मैगजीन बोलेंगे या तो, या बोलते हैं केस कलेक्टर, मैगजीन बोलते हैं या तो, या बोलते हैं केस कलेक्टर, केस कलेक्टर। अब इसमें अंतर क्या हो गया भाई, दो चीज़ क्यों बता दी आपने मैम? देखो, मैगजीन अगर ये SLR राइफल हुई आपकी तो उसमें ये मैगजीन होती है, लेकिन अगर ये .22 Mark IV या .22 Deluxe की राइफल हुई तो उसमें एक केस कलेक्टर होता है। केस कलेक्टर हुआ, जैसे आपकी ये बुलेट होती है ना, ये बुलेट हुई तो इसे ये आपने फायर करी, इसके बाहर एक इसका ये पीछे वाला जो पार्ट होता है ना खोखा सा, ये निकल के गिर जाता है, तो ये इसके अंदर गिरते हैं आके। उसमें ऐसा सिस्टम क्या होता है, पीछे का चलती है ना गोली, देखा होगा, तो उसको बोलते हैं केस कलेक्टर। और अगर इसके अंदर गोलियां फिल करी हैं तो उसको बोल देते हैं मैगजीन, ऐसे। तो ये राइफल टू राइफल वेरी करता है, चेंज करता है। ये बात क्लियर हुई छोटी सी, ठीक। और बताऊँ, इतना क्लियर हुआ? ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, सेफ्टी कैच, मैगजीन, ये ग्रिप, ठीक। इसके ऊपर ये एक छोटा सा लड्डू सा होता है, ये वाला पूछते हैं, इस लड्डू से को बोलते हैं हम बोल्ट, ये लड्डू सा होता है बोल्ट। अब इस बोल्ट को ऐसे करके ना बाहर पूरा खींच लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर गोली डाल के चला लेते हैं, तो ये बोल्ट को अगर आप इसे बाहर निकालोगे छोटा सा ऐसे, तो ये वाला पोर्शन तो इसका बोल्ट कहलाता है। इसके जो आगे का पोर्शन होता है इसको बोलते हैं लीवर, लीवर बोलते हैं। अगर ये अगर DI पूछे कि ये दोनों क्या कहलाते हैं, पूरा पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं बोल्ट असेंबली। अगर मतलब ये पूछ लिया कि ये बोल्ट प्लस लीवर दोनों क्या होगा, तो इन दोनों का नाम होता है बोल्ट असेंबली, असेंबली, ASSEMBLY, बोल्ट असेंबली, इन दोनों का नाम बोल्ट असेंबली। इतना क्लियर? बोल्ट, लीवर, इसके ये आगे वाला पार्ट हो गया, इसको लीवर, ये बोल्ट असेंबली, क्लियर, ठीक है। अब देखो, पीछे वाली जो चीज़ होगी उसको बोलते हैं रियर, और आगे वाली चीज़ होगी उसको बोलते हैं अपर या फोर, ठीक। तो इसको बोलते हैं रियर साइट, रियर साइट, SIGHT, साइट। मतलब जैसे देखो, कोई बंदा निशाना लगा रहा होगा ना यहाँ से, तो उसकी नज़र देखो इसके अंदर से पार होगी, फिर इसके अंदर से पार होगी, उसके बाद अपने टारगेट पर जाएगी, है ना। तो उसकी नज़र यहाँ से पार होती है, फिर यहाँ पार होती है, ये रियर साइट हो गया, ये आगे की तरफ है। इसको बोलते हैं फोर साइट, फोर साइट, या इसका एक और नाम भी बोल देते हैं हम अपर साइट, अपर साइट, दोनों सही है, कुछ भी लिख देना कोई दिक्कत नहीं, अपर साइट लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर? अगला देखो, ये जो रस्सी सी होती है जिससे राइफल ऐसे टांग के चलते हैं कंधे पे, ये रस्सी सी, इसको बोलते हैं स्लिंग, SLING, इसका नाम होता है स्लिंग। ये क्लियर हुआ? अब ये स्लिंग दो कड़ी होंगी, दो कड़ी में अटका है, एक पीछे वाली कड़ी है, एक आगे वाली कड़ी है। इसका नाम होता है पीछे वाले का, जैसे मैंने बोला पीछे वाले का क्या बोलते हैं, रेयर, रियर, RER, रियर स्लिंग कैरियर, रेयर स्लिंग कैरियर, ये बोल दिया इसको। ये आगे वाला जो होता है इसको बोलते हैं अपर, अपर स्लिंग कैरियर, अपर स्लिंग कैरियर। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, और देखिए ध्यान से, ये जो इसकी नली जा रही है, इसकी नली को क्या बोलते हैं, तो पता ही होगा, इसकी नली को बोलते हैं बैरल, बैरल,
इसकी नली को बोलते हैं बैरल। ठीक, इसकी नली का जो ये बिल्कुल इसका मुंह होता है, बिल्कुल नली का बिल्कुल मुंह दिखा दिया, मुंह इसका, इसको बोलते हैं मजल, मजल इसका नाम होगा मजल। क्लियर इतनी बात। इसके बाद एक ये होता है यहाँ पर रेंज अडेप्टर, छोटा सा लगा होता है, इसको ऐसे ओपन करके ना साइट फिट करने में हेल्प करता है, इसका नाम होता है रेंज, रेंज अडेप्टर, रेंज अडेप्टर, रेंज अडेप्टर। ठीक, उसके बाद दो चीज़ें और देखिए, आपके राइफल में यहाँ पे एक छोटा सा कट से टाइप का कुछ लगा होगा, कई बार गार्ड करते हुए हाथ में बहुत चुभता है, वो किस लिए लगा होता है, वहाँ पे खंजर डालने के लिए लगा होता है। जैसे कई बार आपने पैराट्रूपर की फोटो वोटो देखी ना, तो उनके साइड में बिल्कुल खंजर निकला होता है बैरे तक उनकी, बहुत पैना सा। तो इस खंजर का नाम होता है बेनट, इस खंजर को बोलते हैं बेनट, बी ए वाई ओ एन ई टी, इसको बोलते हैं बेनट। ठीक, और जो राइफल के अंदर पे छोटा सा कट लगा होता है जहाँ पे इस खंजर को गाड़ते हैं, अटकाते हैं, इसको बोलते हैं बेनट कैच, बेनट कैच, इसको बोलते हैं बेनट कैच। ठीक, अब इसमें से देख लो, आपको कोई भी 10 पार्ट बोलते हैं लिखने के लिए, आप तो आराम से लिख लोगे, 10-20 तो मैंने बताई दिए, एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं क्विकली, देखो अभी याद कर लो या खुद से रिवाइज कर लेना। देखो, इसको बोलते हैं बट, फिर बट प्लेट, ये हुआ बट स्क्रू, इसके बाद आए हम ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, सेफ्टी कैच, फिर इसका नाम क्या था, मैगजीन या केस कलेक्टर, फिर इसका नाम ग्रिप, फिर इसका लड्डू का बोल्ट, इसके आगे वाला लीवर, पूरे का पूछे लीवर बोल्ट दोनों मिला के, इसका हो जाएगा बोल्ट असेंबली, उसके बाद ये वाली रियर साइट, फिर ये फोर साइट, ये जो नली है इसका नाम बैरल, नली के मुंह का नाम मजल, ये नाम इसको, इसको बताइए कट जो लगा होता है बेनट कैच, खंजर का नाम क्या होता है बेनट, बेनट माने होता है खंजर। ठीक, देखिए इसको, ये रस्सी जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, रस्सी को स्लिंग, रस्सी क्या बोलेंगे स्लिंग, और अगर बोले कि पीछे वाली का तो रेयर स्लिंग कैरियर, आगे वाला बोल दे अपर स्लिंग कैरियर, अपर स्लिंग कैरियर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वीडियो क्लियर हो चुकी, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर तुम्हारा दिल करे तो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो चलो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।